ऐलान हो गया, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अलीगढ़ से पीएम मोदी ने संकेत दे दिया 2029 के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। नरेंद्र मोदी ने खुद योगी आदित्यनाथ का नाम आगे बढ़ाया है। कैसे, ये खुद मोदी की जुबानी सुनाएंगे, डिटेल में बताएंगे। बस आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक राइट में कौन चल रहा है? योगी आदित्यनाथ। बाकी सारे लोग पीछे पीछे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पीछे हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी पीछे हैं, सुरेश खन्ना भी पीछे हैं। वापस अलीगढ़ की तस्वीरों पर लौटें, उससे पहले योगी के स्टाइल को समझना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी के स्टाइल में काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ते हुए। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ गए हैं। जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की। मुट्ठी बंद करके जरा बोलिए, भारत माता की। मोदी। इसकी एक तो नहीं, कई तस्वीरें उत्तर प्रदेश देख चुका है। मोदी का सीधा फंडा है, काम न करने वालों को बदल दो। योगी ने उत्तर प्रदेश में इसी फॉर्मूले को लागू किया। मोदी का सीधा फॉर्मूला है मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। योगी इसी फॉर्मूले पर चलते हैं। कई लोगों ने कैबिनेट विस्तार ना होने पर सवाल उठाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को अच्छे से पता है कि कैबिनेट विस्तार से ज्यादा कैबिनेट का ईमानदारी से काम करना है। पूरे कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन वॉर रूम में बैठकर मीटिंग करते थे और एक एक जिले की खबर लेते थे। इसी तरह योगी आदित्यनाथ खुद कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी पूरे कोरोना काल में बेड से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक एक तहसील और एक एक गाँव से अपडेट लेते रहते थे। मोदी के काम करने का तरीका है नो एक्सक्यूज सीधा एक्शन। योगी का भी यही स्टाइल है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात मॉडल को पूरे देश में एक नजीर बना दिया, आज उसी तरह योगी आदित्यनाथ के राज में अब यूपी मॉडल देश में नजीर बन चुका है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं, वैसे ही योगी आदित्यनाथ भी 18-18 घंटे काम करते हैं। इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी खुद भी योगी योगी करने लगते हैं। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया। प्रधानमंत्री मोदी योगी के कितने बड़े फैन हो चुके हैं, उनके भाषण के कुछ लाइनों से साफ हो जाता है। योगी की तारीफ पर तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, अलीगढ़ की जनता सुन रही थी और तालियां बजा रही थी। योगी आदित्यनाथ खुद मंच पर मौजूद थे और मंच के नीचे मौजूद भीड़ इसकी तारीफ किए जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, योगी तेजस्वी और कर्मठ है। योगी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम किया। यूपी की चर्चा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े फैसलों के लिए होती है। यानी जो पीएम कुछ साल पहले तक गुजरात मॉडल गिनाते थे, अब वही यूपी मॉडल की तारीफ कर रहे थे। भविष्य में यूपी भारत की प्रगति का आधार बनेगा। आज यूपी देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। पहले यूपी को रुकावट के तौर पर देखा जाता था, यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल किया है। योगी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। योगी के फैसले चर्चा का विषय बनते हैं। योगी की वजह से यूपी में अपराधी गुनाह करने से पहले 100 बार सोचता है। योगी सरकार में गरीबों की सुनवाई होती है और उनको सम्मान मिलता है, ये प्रधानमंत्री ने खुद कहा है। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बड़े फैसलों के लिए होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो इसका एक बहुत बड़ा लाभार्थी है। ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण,
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मेट्रो कनेक्टिविटी, आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेसवे, ऐसे अनेक काम आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। यूपी में चल रहे ये हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में भारत की प्रगति का बड़ा आधार बनेंगे। एक घंटे 25 मिनट के अपने अलीगढ़ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 20 से ज्यादा बार नाम लिया। पूरे हिंदुस्तान में करीब 21 राज्यों में बीजेपी या गठबंधन की सरकारें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ यूपी मॉडल की बात करते हैं। गुजरात में 21 सालों से भी ज्यादा हो गया बीजेपी की सरकार के बने हुए, लेकिन अब गुजरात का विकास मॉडल पीछे छूट चुका है, अब यूपी और योगी मॉडल काम कर रहा है। क्या अब भी आपके मन में कोई संदेह है? तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं, देश में योगी की डिमांड बढ़ रही है, बीजेपी भी मानती है और खुद पीएम मोदी भी मानने लगे हैं यूपी को योगी की जरूरत है। अस्तित्व न्यूज के लिए निखिल बंसल की रिपोर्ट।